सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडाणी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार, सर्व संकट निवारण करने वाले कबीर बंदी छोड़ जी की असीम कृपा से आज आप संत पुण्य आत्माएं अपने परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उत्सुक हुई हो। बच्चों, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको कति फरी छोड़ देते हैं, उनके खाने की पीने की कपड़े की फीस की पूरी व्यवस्था करके देते हैं। माता पिता स्वयं कष्ट उठाते रहते हैं, उनको काम से बचाते हैं, तुम अपना पढ़ाई करो। और ये क्रिया 15 साल 16 साल 20 साल कोई ट्रेनिंग कोर्स करे तो, और पूरी पढ़ाई पढ़े तो 15-16 साल लग जाते हैं, तब जाके कितने कोई रोजगार मिले तो मिले ना भी मिले। और फिर भी हम पढ़ाते बच्चों को, और अच्छी बात है। यदि आज शिक्षा ना होती तो आज अपने भगवान का ज्ञान नहीं होता। और यो अनमोल मनुष्य जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाता। इसी प्रकार हमने कुछ समय इस परमात्मा के पाने के लिए, भविष्य अपना सुधारने के लिए निकालना पड़ेगा, और 2 पैसे खर्च दान में भी करने पड़ेंगे, भक्ति भी करनी पड़ेगी, सत्संग भी सुनने पड़ेंगे। इसकी तरफ हम तभी प्रेरित होंगे जब हमें ज्ञान हो जाएगा पूरा कि परमात्मा के बिना कहीं ठिकाना नहीं। ये संसार में आज से कितने बड़े सेठ हो चाहे ना हो, यह भरोसा तो एक अक्षण का नहीं है, एक पल का नहीं है। और मजबूरी है, फिर भी आंख बंद करके चलना पड़ता, करें क्या, ये भी पता है कुछ भी हो सकता है। तो अब इसके ऑल्टरनेट और इसका बचाव पता लग गया है, और इसको हम तभी अपनाएंगे दृढ़ता से जब हमें ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान होगा सत्संग के सुनने से। और बच्चों, सत्संग की कमी नहीं छोड़ रहा कि परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, ए से लेकर जेड तक अध्यात्म का दाना दाना गिन रखे है, पूरा खुलासा कर रखा है। अब भक्तों ने यूट्यूब के अंदर भी अपने चैनल बना के उसमें गति ठोक रखे है। जब भी समय मिले, ये विशेष निकाल लो समय, थोड़ा सत्संग सुना करो। वहां तो आपको प्रत्यक्ष प्रूफ भी दिखाई देंगे, वेद क्या कहते हैं, गीता क्या कहती है, पुराण क्या प्रमाण दे रहे हैं, हमें बताया क्या गया था, भक्ति क्यों करते हैं, क्यों करनी चाहिए, इसके विषय में जानकारी सत्संग से ही प्राप्त होती है। इतना सुंदर मनुष्य जीवन, आज इसमें सत भक्ति नहीं करी, कुछ समय नहीं निकाला, अगले जन्म में कितना दुख होगा। यम के दूत पीटेंगे, घसीटेंगे, नरक में डाल लेंगे, वहां कोई साथी नहीं होगा। अब तो हम परिवार में रिश्तेदारी में मगन हो बैठे हैं। कबीर साहब कहते हैं, हिड़की दे दे रोएगी आत्मा तो चल लेगी अकेली। जब इस सारे परिवार को छोड़ कर जिसके ऊपर तू आज कितना खुश है और कितना दिल लग रहा है तेरा,
कदे रिश्तेदारी में माचे माचे फिरा हाँ, कदे पीतर अपने नंबर बनाते फिर हैं, अपनी प्रभुता दिखाते हैं, बढ़िया कार ले रहे हैं। अच्छी बात है, संस्कार में भगवान ने दिया हाथ रख, लेकिन भगवान क्यों भूल गया? सबसे बड़ी गलती ये है, जैसी दाता ने आपकी व्यवस्था दी है उसका प्रयोग करो। और माया तो भगत को सबसे ज्यादा मिलती है, जो सच्चा भगत होगा, लेकिन उसको ज्ञान भी होगा कि ये विष भी बन जाएगी जब दुरुपयोग किया तो। इसलिए वो उस माया को मालिक के चरणों में ही लगाता है, दुरुपयोग नहीं करता। कहने का भाव ये है कि भक्ति ना करते ऋषि व्यवस्था मुर्दी का मर जाते हैं, बच्चों में मोह होना स्वाभाविक है, वर्धवस्था हो जाए जब पोते पोतियां में नारा मोह होता है, कसक बन जाती है। कहते हैं रनर धोखे धोखे लुट गया, आ गई अंत घड़ी, आया बुढ़ा पाबरी, पड़ी परिवार में ममता गरी, आया बुढ़ा पाबरी, पड़ी परिवार में ममता गरी, पोता बैलो या मन मरी, हेली करवा दो खड़ीर, हेली करवा दो खड़ी हिर, नर धोखे धोखे लुट गया, आगी अंत घड़ी। मेरे दोस्त अब आँख खुल जाती है, और ये परिवार में मोह गणा बढ़ जाए, कोई सुना नहीं बुढ़ेगी, अन्ना होके मैं करण जोगा, इच्छाएं व्यक्त करता है कि पोता ब्याह लो, बस फिर मौत हो जाए, बहुत तगड़ा हो जाए, फिर एक बढ़िया सा मकान बनवा दो, सारी उम्र बीत गई, इतने पहले क्यों ना बनाए वो महल, जिसे जो महल बनाना था भक्ति करनी थी वह तो करी नहीं, और इन बकवादों सारा जीवन खो दिया। अब हम अपने बच्चों से कितना मोह रखते हैं, अचानक मृत्यु होगी तो क्या कहे परमात्मा कि पछाड़ खाखा रोएगी आत्मा, जब तू चल लेगी अकेले, अकेले ने घसीट के ले जाएंगे ऊपर, पर तेरा मोह बच्चों में होगा, परिवार में होगा, ये होना स्वाभाविक है। लेकिन इस भक्ति के करने से, परमात्मा की भक्ति करने से, फिर मालिक साथ खड़ा हो जाएगा। पहले तो अकाल मृत्यु नहीं होने दे, और जब जाने का टाइम आओगे तो यम के दूत निकट में आओगे आपके। केवल कबीर साहब की सच्ची भक्ति दास से प्राप्त करके ये क्रिया करने से, आपको बता रखा है, इस मार्ग से अतिरिक्त दास के द्वारा मालिक ने जो चलवाया है, 12 कबीर पंथ है सारे काल के, ये जितने भी और पंथ रहा, दसवामी सरसाल पुराने निरंकारी, ये सारे काल के दूत हैं, काल के एजेंट, काल के चलाए गए, तो उनमें नाम लेने से भी भक्ति करो या ना करो बराबर है। तो ये अपनी किस्मत सराहो, तो आज के नहीं, परमात्मा की दया भी आपके ऊपर अनमोल ज्ञान मिला है, ये पिछले जन्म जन्मांतर से आप लगे हुए आ रहे थे, भक्ति बनी फिर बीच में छूटगी, फिर बनी फिर छूटगी, तो फिर फायदा क्या इस भक्ति का, यही चक्कर काटते रहोगे। तो प्रत्येक जन्म में आपको मार्गदर्शन किया परमात्मा ने किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी रूप में, तो अब वो समय आ गया कि आपको प्रमाण दिखाई, पहले आपको दृढ़ किया कि कौन भगवान है, कहां प्रमाण है, और भक्ति कौन सी है। तो बच्चों अब करो इस कमाई ने, अब बात बनेगी, क्योंकि अब हम भ्रमित नहीं हो सकते किसी के द्वारा कि ये ज्ञान ठीक नहीं है, उसका ज्ञान ठीक है, तो कति मूर्ख हमारा ज्ञान नहीं सुनेगा, वो भ्रमित होकर चला जाओ कि वो तो कर्महीन इंसान है, उसके संस्कार इसे हुए नहीं है जो इस मालिक के मार्ग पर डट जाए।
अब क्या कहते हैं संत कबीरदास जी, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मानव शरीर और यह सत भक्ति, सच्चा सतगुर, सच्चा ज्ञान, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी और सच्ची भक्ति मूल ज्ञान जो आज तक छुपा रखा था, यू आपको प्राप्त हो गया। अब ये सौदा करनी होगा, इसमें चूक गए युगों युग रोना पड़ेगा, कुर्बान होना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हम जिस काम के लिए भगवान ने छोड़ दिया, भक्ति ना करें या सत्संग में ना जावे, सेवा नहीं कर पाओ और उस काम के लिए ही लगे रहें, पर वो काम पूरा हुआ नहीं, नुकसान भी ज्यादा हो गया, परमात्मा साथ होगा ना, फिर भगवान की आवश्यकता क्या है। परमात्मा को इसीलिए खोजा करते हैं, इसीलिए उनकी संग ग्रहण करते हैं कि वो कुछ अटकर करता है, हमारे दुख को दूर करता है, काम में बरकत करता है और सो सो दुख निवारण करता है। फिर करता किसका है, तन मन शीश ईस अपने पे, तन मन शीश ईष्ट अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई, राम भगत गति पावे हो जी जब कोई, राम भगत गति पावे हो जी। तन मन शीश कैसे से डाला है, सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल होया यो शीश, नितानंद इस शीश पर, आप बस जगदीश। एक आश्रम में कुछ शिष्य रहते थे, एक उनके गुरु जी थे, रोज सत्संग सुनाया करते थे, वही गुरु जी की आज्ञा का जो पालन नहीं करते उनको आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने, निश्चय नरक पड़े से सोई, गुरु आज्ञा लोप करे दोई, गुरु की आज्ञा नहीं माने वो नरक में उतरेगा। एक दिन 5-7 शिष्य वहां बैठे थे, गुरु जी चारपाई पर बैठे थे आसन पर, उसने कहा भी बच्चों मेरे सिर में 5-5 जूते मारो। हैरान थे वो, गुरुजी ने ये क्या कहा, क्या आदेश हुआ, ये कोई उठा नहीं। फिर कहा भी मेरे सिर में जूते लगाओ, तुम गुरु के चेले हो, अब सारे सुनोगे, कोई उठा नहीं। तो उनका भाई गुरु की जो आज्ञा नहीं पालन करते ना, उनके नाम खंड हो जाते हैं और वो गुरु विमुख माने जाते हैं। कोई नहीं उठा, एक भगत उठा, उसने अपना जूता निकाला, गुरु जी के चरणों में बैठ के अपने सिर में पट्टा पट 5 मारे, 1, 2, 3, 4, 5। गुरु जी बोले भाई तेरे शर्म नहीं, मेरे शर्म कहा अपने। तो उसने कहा हे गुरुदेव, गुरुदास का शीश भी तो आपका ही है। सीने से लगा लिया उसने उस बच्चे को और उन बुद्धों को कहा कुछ विवेक भी होना चाहिए। कहा जाता है उसमें नहीं भाई सिर सोपिया काट के दर दिया, नहीं समर्पित होना होता है, कति सच्चे दिल ते ये कहने सुन की बातें ना है कर पाड़ की। यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही,
लोहे के साताव जात है, काया दे सराही संतो यो सो दो फिर ना। ये मनुष्य जीवन है, ये सब लोहा गर्म है। जैसे हमने देखा लोहार लोग एरन में गर्म करते थे लोहे को, वो चिमटे पलटे दराती खुरपे ये बनाया करते थे, चम्मच छोटी छोटी अग्नि में लोहा दे देते, तुरंत गर्मा गर्म पर चोट मारेंगे पट्टा पट दो चाहते वो बन जाता, जरा सा भी ठंडा हो जाता उसको दोबारा गर्म करते, वही ना बना कुछ चेबे से मारे जो उसके थोड़े। तो ये मनुष्य जीवन जो है ये आपका लोहा गर्म है। अब इसमें राम नाम की चोट और दान धर्म की चोट लगा लो, इससे कुछ बनाना चाहते हो अब बनेगा। लोहे के साताव जाते हैं, लोहे के साताव जाते हैं, काया दे सराही रे संतो यो सौदा फिर ना। तीन लोक और भवन चतुर्दशे, तीन लोक और भवन चतुर्दशे, सब जग सौद आई रे संतो यो सौदा फिर ना। संत गरीबदास जी आत्मा से रो के सुना करते, किसी तरह इनकी आंखें खुल जा, काल के जाल में फंसे पड़े गोली आत्माएं। तीन लोक और भवन चतुर्दश, जितने भी 14 भवनों में और तीन लोक में प्राणी से अपना किया कर्म प्राप्त कर रहे हैं, अपना सौदा करते यहाँ पर, भक्ति करी दान धर्म किए, स्वर्ग में उनका फल मिला, तो हमने सतलोक जाना भी इतनी सी बात है, हमने स्वर्ग नहीं जाना, यहाँ के स्वर्ग महास्वर्ग को परमलोक को जाखड़ा भी नहीं। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौद आई रे संतो यो सौदा फिर ना। दूने तिगने किए चौगने, किन हो मूल गवाई रे संतो यो सौदा फिर ना। जैसे मूल पूंजी 5-4 लाख रुपए लेकर कोई बिजनेस करने लग गया, पहले क्या करते थे सेठ लोग, पैसे लेकर दूसरे शहरों में जाया करते थे, सामान खरीदते थे बेचते थे, खरीदते थे बेचते थे, उनसे दुगने तिगने पूंजी करके लौट आया करते थे। और जो मूर्ख थे उस पूंजी से इस होटल में रहा करते थे, रुकया करते थे धर्मशाला, वहां खावा पीवे मौज करे, शराब पीवे फिल्म देखे, और सारी पूंजी नष्ट करके जो काम करना था वो ना किया, सारी पूंजी नष्ट करके वापस आना पड़ता जो जेब में पैसा नहीं रहा, या सौदा घाटे का करा ठीक से विवेक निगाह करा, तो फिर वो कर्जवान हो जाते हैं, और जिससे पूंजी लेकर गए थे उसके नौकर लगते हैं उसको पूरी करता। जैसे मनुष्य जीवन की पूंजी हम लेकर आए हैं और हम इस काल के बंध में बंधे हैं। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता बोलने वाला ज्योत स्वरूपी निरंजन ये ब्रह्म काल कहता है, सर्व धर्मान परितज माम एकम शरणो वर्ज, मेरे सत्र के जितने भी धार्मिक क्रियाएं हैं वो मुझ में छोड़ दे और उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में जा, अहम तवा सर्व पापे भ मोक्षासि मासुच, मैं तुझे सब कर्जे से मुक्त कर दूंगा चिंता ना कर, यानी मेरी पूंजी दे दे फिर तू जा। पहले हम यहाँ कमाई करते थे, होटल में खा लेते थे ऊपर स्वर्ग में, कुछ तो यहाँ नहीं करते थे, यही नष्ट कर दी,
फिर यहाँ कुछ धर्म कर्म किए तो स्वर्ग में खाकर फिर वापस आ गए। अब हमने सतलोक जाने का टारगेट बनाकर रखना कति दृढ़ता के साथ। वो कहते दूने तिगने चिये चौगने कि न हो मोल गवाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। यो दम टूटे पिंडा फूट लेखा दरगा माही रे संतो यो सौदा फिर नाई। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाहिर सदो यो सौदा करना। वादन की मोह डरनी लागे, वादन की मोह डरनी लागे, लज्जा रेक नाहिर सदो यो सौदा करना। यो दम टूटे, ये पिंडा फूटे, ये शरीर खत्म होगा, शरीर सांस खत्म होगा, टूट जाएगा। फिर वह दरगाह में न्यायालय के अंदर भगवान के घर लिखा होगा, उस दरगाह में पिटाई होगी और यम के दूत बाँ मरोड़ के यूं और लात मारते ले जाएंगे जो भक्ति नहीं करते। और बच्चों तो कबीर जी की भक्ति करता मर्यादा में रहता कहते हैं, गरीबदास जी बताते हैं, आंखों देखी यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे। आप उस समर्थ की शरण में हो, ईव डट जाओ, कति मोर्चा डाट दो, संभल जाओ बच्चों। कहते हैं उस दरगाह में मार पड़ेगी, यम पकड़ेंगे भाई बाँ बाही, और वादन की मर्डर नहीं लग या लज्जा रहेगी कि नहीं। वादन की मोह डरनी लग, वादन की मोह डरनी लग, लज्जा रहे अकना ही रे संतो यो सौदा फिर नाही। के गरीबदास जी कहते हैं भाई हमने तो उस दिन का भय बन रहा है, परमात्मा की ऊपर इज्जत रहेगी। अरे जो भक्ति नहीं करते कितने मस्ती में चल रहे, कितने कर्महीन इंसान है। क्या बताते हैं, नर नारायण देहे पाक फिर चौरासी जाहिर संतो यो सौदा फिर नाही। यो परमात्मा ने अपने जैसा शरीर मनुष्य का बना के दिया है और इसको प्राप्त करके भी फिर 84 लाख योनियों में जाने की तैयारी कर रहे हो, धिक्कार है तुम्हारे विवेक को। फिर कुत्ते के दे सूर का शरीर में लगा। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो दा मन मरण मिटाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जन्म मरण मिटावे, गुरु बतेरे शिष्यों की कमी नहीं। लेकिन बच्चों ये मार्ग बताने वाला आपको, कोटो मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झूम कर, तत्व ज्ञान कोई ना कह रे झूम कर, पैसे ऊपर नाच सुनो रही झूम कर। गीता दे 7 श्लोक 18 का है कि ज्ञानी आत्मा है तो उदार ऋषि कुर्बान हो गए, शरीर फूंक दिए धुने में, तपस्याएं कर ली, ओम नाम का जाप कर लिया, लेकिन ये मेरे वाली अनुतम गति में ओम नाम से मिलने वाली ब्रह्मलोक प्राप्ति की मैं स्थित है। 7 के 19 में कहा कि बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम पर पदते। जैसे गीता 7 श्लोक 12 से 15 में
गीता बोलने वाला कहता है कि ये त्रिगुण में माया रजगुण गर्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव तक जिसकी बुद्धि टिकी उस पर डटी हुई है, इससे आगे को चलने को तैयार नहीं है, सुनते भी नहीं, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बचते। और सातवें के 16 से 18 में ये बताया है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करती है, आर्थ संकट निवारण के लिए, अर्थार्थी धन लाभ के लिए, जिज्ञासु वक्ता बनने के लिए, और ज्ञानी, ज्ञानी को ये पता लग जाता है मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही, उसका समझ में आ जाती है। वो आन उपासना किसी देवता की भक्ति तीर्थ व्रत नहीं करता कि, और ओम नाम का जाप और मेरी भक्ति करता है। तो वो ज्ञानी आत्मा है तो मेरे को समर्पित, बड़े नेक इंसान है, परंतु तत्वदर्शी संत न मिलने से मेरे वाली अनुत्तम घटिया अश्रेष्ठ मोक्ष गति में स्थित है। फिर कहते हैं 7 में 19 में, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान बाम पर पदते, बहुत बहुत जन्म के ऐसे डले ढोने के बाद कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है किसी जन्म में नहीं। पहले तो ये भी ऐसे अन्य देवताओं की भक्ति क्या करते थे, तो बहुत से जन्मों के बाद कोई ज्ञानवान ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है। वासुदेव सर्वमिति स्वयं आत्मा सुदुर्लभ, ये बताने वाला महात्मा महापुरुष संत बड़ा दुर्लभ है कि वासुदेव ही सब कुछ है। ये वासुदेव का अर्थ करते रहे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जी का तो रोल था ही नहीं इसमें गीता में, ये तो काल का जाल था, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके वो बोल रहा था। तो कहते हैं कि वासुदेव का अर्थ होता है जिसकी सत्ता सबके ऊपर है, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिबना, तेरे ऊपर सबकी सत्ता सबकी हुकूमत है, ये दाता कबीर साहब परम अक्षर ब्रह्म, तेरे ऊपर कोई परमात्मा मालिक नहीं है, यही मोक्ष दाता है, यही पाप कर्मों को काटने वाला है, काल के जाल से यमदूतों से यही बचाने वाला है, यही अविनाशी है, वास्तव में यही परमात्मा है, सबका मालिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। इसी की भक्ति करने से जीव को जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। तो गीता बोलने वाला कहता है ये बताने वाला वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव है, उसकी भक्ति करो तो वो स्वयं आत्मा सो दुर्लभ, वो बड़ा मुश्किल में मिल जाएगा आपको। सुलभ है बच्चों, बालक नहीं, अनजान नहीं, मूर्ख बनाया नहीं जा सकता, प्रमाण दिए पहले, मूर्ख तो हम बने बैठे थे पहले, इससे पहले कभी आंख मीच के बैठे थे, किसी ने 4 इंट ला रखी है, उड़े मत्था टेकन लग गए जहां पर कुत्ते बत्या करते। अब परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ी आपके लिए, अरे कसर आप भी ना छोड़िए, तन मन शीश इस अपने पर पहले में चोट चढ़ाओ, कुर्बान हो जाओ। अब बताते हैं जा सतगुरु की मैं बलिहारी हूं, जामण मरण मिटाही कुल परिवार सकल कबीला मसलत एक ठहराई, बांध पिंजरी आगे धर लिया फिर मरघट में ले जाए। ये शरीर छूटते ही सारा कबीला इकट्ठा हो जाएगा और कहेंगे इसने ठाओ और फूको, ना तो कीड़े पड़ जाएंगे, और जिसके अंदर फूले फिरते हैं वो हमारे प्यारे, वो ही फूक का होंगे, इसे खत्म करो, कति जला दो, इतना भी नहीं रहना चाहिए, ऐसे फूक दे लठ मार मार के, कति कंडम करके जला के सारा राख बनाते। कहते कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, बांध पिंजरी आगे धर लिया मरघट को ले जाए, शमशान घाट में ले गए,
अग्नि लगा दिया तो दलम्बा फूक दिया तिष्ठाएं, वो शरीर का तो वहां कर दिया नाश स्वभाव होया। अब ये मूर्ख साधना शुरू होती है, वेद बांध फिर पंडित आए पीछे गरुड़ पटाई। ये उस गुरु का पाठ कराते हैं कई जगह, बहुत से कराने लागे देखा देखी। पहले इतनी बीमारी नहीं थी या अब बढ़ती जा रही है। गरीबदास जी कहते हैं वेद बांध फिर पंडित आए पीछे गुरु पढ़ाई, वो मर गया कि तक कुत्ते का दया भूत पढ़ने की लाइन में लग रहा है। अब उस गुरु पुराण के पाठ से उसको क्या सहारा मिलेगा? गुरु पुराण में ये बताएगा भाई जो ऐसे कर्म करता उसको ये दंड मिलता है, उसकी ऐसे गति नहीं होती, ये होता है वो होता है, ऐसे ऐसे कर रखे। गरीबदास जी कहते हैं गुरु पुराण तो पहले पढ़ाना चाहिए था जिंदे जी, ताकि भगवान से डर लगता, पाप से डरता, बचता, धर्म कर्म कर जाता। अब बताओ बच्चों सारे उल्टे काम, नरसत्य फिर पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन भोरे कुरली चलने जाए। बच्चों अपने ऊपर इतना दबाव है, प्रेशर है, काल का बस की बात नहीं। आप क्या कोई हम कितनी बात बनावा, पर इस ज्ञान से बहुत फर्क पड़ेगा, तड़क बनेगी कि अब आदमी तो फिर पशु बनेगा, गद्दा या बैल कुत्ता सूअर बनेंगे, पक्का गारंटीड बात है। जो भक्ति नहीं करते और भक्ति शास्त्र विरुद्ध करते हैं फिर कहते हैं 56 भोग कहा मन भोरे कि तो कुरड़ी चढ़ने जाए। आ देखो सोते उठते चाय पी लो बिस्कुट खा लो फिर बढ़िया भोजन बनाओ, दिल करे उतन मनमाना खानवा बनाओ, खीर बनाओ, बढ़िया रोटी पूड़े बनाओ, परौंठे बनाओ और भी बहुत से कुछ भी खाओ, चाय पानी पियो जब भी भूख लगाया। अरे कहते फिर ये भक्ति ना करने से ये 56 भोग कहा मन भोरे कि तो कुरली चढ़ने जाए। अब एक दिन ऐसा आएगा आपका डर पड़ने लगेगा इन बातों का, अभी डर नहीं बनता, कम बनता है। और जब ठीक से ये बार बार सुनने से कहते जैसे सूरज के आगे बद्रा ऐसे कर्म से आरे, और प्रेम की पवन कर चतुंजन झलक तेज नारे। जैसे सूरज के आगे बादल हो जाते हैं और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आता, ऐसा लगे सूरज छुप सा गया, यानी पूरा प्रकाश प्राप्त नहीं हो रहा जिसकी हमने आवश्यकता थी। तो फिर हवा चलती है बादलों को तितर बितर कर देती है तो प्रकाश सामने आ जाता है, सुंदर प्रकाश दिखाई देता है। ऐसे हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच में कहते आत्म और परमात्मा एक नूर दुहूर, बीच में झाई कर्म की ताते कही ये दूर। जैसे सूरज के आगे बद्रा ऐसे कर्म से आ रे, प्रेम की पवन करचत मंजन झलक तेज नया रे। अब इस ज्ञान के सुनने से इन वाणियों की चोट से आत्मा पर जमा हो पाप मैल हटेगा, फिर प्रेम की पवन चलेगी, आंखों में आंसू आने लगेंगे आपके, फिर जल के तेज नजारे, फिर अलग से उमंग होगी इस मालिक के प्रति। रिया तक करनी पड़ेगी, इसमें आपका साथी धरती में नहीं, 21 ब्रह्मांड और 7 संग ब्रह्मांड में आपका कोई साथी नहीं जो आपकी मदद कर दे। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं उत्तम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। मृत्यु होती जाएगी, कोई कितना गधा बनेगा, कोई कितना कुत्ता बनेगा, कोई सूर बनेगा, धर्म कर्म सब ठीक होंगे, कोई स्वर्ग में जाएगा, कोई साथ नहीं रहेगा। और ये आपका बाप आपका पिता बंदी छोड़ कबीर साहब आज भी आपके साथ है, जब संसार छोड़ के जाओगे अगर भक्ति करते हो तो भी आपके साथ खड़े पाओगे। और फिर यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, और धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे। वो छोटा मोटा गलती हो रह रही होगी, कर्म अभी साफ ना होंगे, वहां जाकर करो सलाह होगा दाता दरवाज के दरवाज।
तो इसकी जरूरत आज भी दुख आवे तो इसने याद करें। संसार छोड़ के जाओगे कोई साथ ही नहीं होगा, यू फिर भी साथ हो। अरे ऐसे गजब के साथी ने इसको भूल के, कबीर साहब कहते हैं जो मेरे को याद करता है जब भी याद कर लोगे आप यम के दूतों से छुड़ाऊंगा। और जिन संसारी चित धरी हमारी तरफ लगन नहीं बनी, नहीं छुड़ाऊं तो ही फिर तुझे नहीं छुड़ाऊंगा। कहते हैं प्रेत सिला पै जाए बिराजे पितरों पिंड भराई। देखो मृत्यु के बाद क्रिया करने लग जाते हैं ये कर्म कांडी। पहले गंगा में डाल का अस्थि, पंडित नारे पाओगे, बड़े क्रिया कर्म करेंगे, दान दक्षिणा दो, ये करो वो करो, किस लिए? तेरे पिता की गति करानी हो, माँ की, जो भी है। फिर 13वीं करो, फिर महीना करो, फिर वर्षी करो, फिर पिंड दान करो, फिर श्राद्ध करो। कहते कहां से गति कराने लगे थे और फिर श्राद्ध करने लगे। कहते ऊपर रख दो छत पर कुछ भोजन बना के श्राद्ध वाला, और तेरा पिता हो सकता है माता पिता कौवा बन गए हो, कौवा भोग ला देगा, तो समझ लो तेरे पिताजी है ये भोग ला गया, वो छक गया, तेरा श्राद्ध सफल हो गया। फिर कौवा ढूंढते आन रहे आसोज के महीने। हाय कबीर साहब कहते जीवित बाप के लठन लठा, मुए गंग पुचैया, मरे पाछे गंगा मठा के ले जा। और जब आवे आसोज का महीना कौवा बाप बनैया, अरे बोली सी दुबो सतगुरु बिन कैसे सरिया, प्रेत शिला पै जा बिराजे पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए काग भय कलिवाई। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। जय सतगुरु की संगत करते उसके अनुसार भक्ति करते सारे पाप कर्म कट जाते। सुरती नृति मन पौन पियाना, शब्द शब्द समाई, गरीब दास गलतान महल में मिले कबीर गोसाई। अब क्या बताते हैं, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता, पिंड प्राण जिन दान दिए हैं जल से सिरजे गाता, उस दरगाह को भूल गया है अब जग से जोड़ा नाता, उस समर्थ की रीज छुपाई अब कुल कुटुंब से हराता, गर्भ के अंदर वचन भरे थे कहाँ गई वो बात। यहां भी याद दिलाते परमात्मा, जैसे अपने प्यारे मित्र से कहते हैं ना, अच्छा बोलिया उन बात ने, देख उस दिन क्या कह था याद कर ले, इतना ना बने कुछ। कहते हैं उस समर्थ की रीत छुपाई जिसने मां के गर्भ से काटा तेरे सारे, वहां कान पकड़ा था, हाथ जोड़ा था, जाता एक बार छुटा दे पेट में, था आपको कभी नहीं भूलूंगा, सदा याद करूंगा, भक्ति करूंगा, थोड़ा बहुत काम तो आपकी दया से करना ही पड़ेगा, आपको नहीं भूलूंगा। हर बार आते पहले वो काम करा भगवान बोला और सारी याद कर ली। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता, पिंड प्राण जिन दान दिए हैं जल से सिरजे गाता, उस दरगाह को भूल गया है जग से जोड़ा नाता, उस समर्थ की रीज छुपाई
कुटुंब से राता गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वे बातें। रिद्धि कोटि तुरंगम दीने ऐसा धनी विधाता, सत्सुकृत को भूल गया है ऊंचा किया न हाथा। ओए होए, क्या तेरे को कितना कुछ दे रखा है और सत्सुकृत अच्छे कर्म करने भूल गया तू, ऊंचा किया न हाथा। हाथ ऊंचा करना दान देना। सत्सुकृत को भूल गया है ऊंचा किया न हाथा, सैस 2100 खंड होते हैं जो तरवर के पाता। थूनी डगे थहां का पावे यो मंदिर ढह जाता। कि तेरे रोज सांस कम होने लग रहे हैं, एक दिन यो शरीर खत्म हो जाएगा, अचानक मर जाएगा। इस देही को देवा लोचे तो नर क्यों उकलाता, नर देही नारायण एही सनक सनंदन सा था। कई पाप कर्म इतने कर लेते हैं और फिर उनके ऊपर कष्ट पर कष्ट आते हैं, तो कहते हैं मत अच्छा कर लिया जीवन था, मर जाऊं इस अच्छा नो जी करे। मरने के बाद कौन सा सुखी हो जाएगा, फिर गधा बनेगा, 50 किलो का वजन कमर पर होगा और दे लठ, जो काम करण का वो कर। इस देही को मनुष्य शरीर को देवता भी तड़प रहे हैं, तू नर क्यों उपड़ाता। जैसे कह रहे ना उपड़ा गया, ज्यादा हलवा खा ले ना, फिर न कह थोड़ा सा खा ले और न कह मैं तो उपड़ा गया, उल्टी पड़ने वाली और नहीं खाया जाता। कहते इस देही को मनुष्य शरीर को देवता भी तरफ रहे, किसी तरह भगवान फिर से मानुष जन्म मिला है, हमने तो धोखा हो गया हमारे साथ है। हमने तो पूरा सतगुरु खोज करना था और ऐसी भक्ति करनी थी जिसे जन्म मरण मिट जा। देवताओं को पता होता है कि ये होटल है, पूंजी जमा हो चुकी है, अब यह पूरी खर्च करके यहां से जाना होगा, फिर नरक में, उसके बाद फिर पृथ्वी में। कहते बोलो शरीर वाली देही और सतगुरु उसमें मिल जा, ये समय संयोग बच्चों बड़ी मुश्किल से होता जो आपको प्राप्त हो गए। मनुष्य शरीर तो बहुत मिले होंगे उन देवताओं को, पर सतगुरु ना मिले। अच्छी भक्ति दान धर्म किए तभी तो देवता बने, पर मार्ग गलत रहा। इस देही को देवा लोचे तू नर क्यों उकलाता है, नर देही नारायण एही सनक सनंदन सा था। ब्रह्म मुहूर्त सूरत नगरी सुन सरोवर नाता, या पर भी का पार नहीं रे सकल कर्म कट जाता। तुम पर भी लेने जाते हो ना मनुष्य जीवन और सतनाम जैसी पर भी धरती बने सच्चे नाम जैसी भक्ति, या पर भी का पार नहीं रे सकल कर्म कट जाता। पर भी ये सत्संग रूपी सरोवर में इस तीर्थ में नाओ, सुरती नृति मन पवन बंद कर मेरे दंड चढ़ जाता। सहस कमल दल फूल रहा है अमी महारस खाता, जा अलख निरंजन जोगी बैठा दास रहा ना नाता। किस अलख निरंजन ज्योत स्वरूपी सुनिंदर से हमारा कोई लिंक नहीं रहा। गरीब दास पारंग प्राण है जब शंख कमल खिल जाता, जहाँ अलख निरंजन योगी बैठा दास रहा ना नाता। गरीब दास पारंग प्राण है जब शंख कमल खिल जाता। नौमा कमल शंख पंखड़ियों का है, शंख पत्तों का, नील पदम शंख, और ये ज्योत निरंजन वाला सहस्रार कमल है, ये सातवां कमल है। आठवां कमल पार ब्रह्म का है और नौमा कमल सतपुरुष का है, जो जिसकी शंख पंखड़ी है। गरीब दास
पारंग प्राण वो जीव पार हो जाता है जिसको सत्पुरुष की भक्ति मिल जाती है, उस सार नाम से सार शब्द से उसका शंख कमल खिल जाएगा, यानी उसको भंवर गुफा में आगे जाने का रास्ता मिल जाता है। बच्चों क्या कहते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहलाती है एक जड़ेंगी झाड़ी। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वह बहुजल डूबे नहीं साध सत्संगा। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी सतलोक में आसन होते जा कोई कष्ट नहीं। अब जैसे भादुए के अंदर बारिश बहुत होती है, झड़ी लग जाती है और सभी दरियाएं ओवर फ्लो होकर बहकर चलती है, बहुत डबल पानी हो जाता है उन दिनों, तो ये संसार के अंदर से पार होना सतलोक जाना इतना भयंकर दरिया पार करना है, और उससे पार होने के लिए इंजन वाली नौका चाहिए जो ची ची करती जाओ जाना को करके। और कोई ये कहे कि इस भेड़ की पूंछ पकड़ ले और इस दरिया पार कर देगी, चल बढ़ जा, कहते हुए भेड़ भी डूबे और वो भी डूबा जिसने पूछ पकड़ रखी। तो ये अन्य साधना जो है ये भेड़ की पूछ है बच्चों, संसार सागर से पार होने के लिए पूर्ण सतगुरु और सच्ची साधना की जरूरत होती है। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी भी होंगो, गरीब दास वह बहुजल डूबे नहीं साध सत्संग। बच्चों तुम्हें पूर्ण परमात्मा मिला, सच्चा सतगुरु प्राप्त है, वो मूल ज्ञान प्राप्त है जो आज तक आपके लिए छुपा रखा था, इसकी कदर करो। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत साहिब।